रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। प्यार भी एक से होता है, हजारों से नहीं, हजारों से नहीं। Mr.
के विजेता दोनों ही हैं, इससे ये ट्रॉफी दोनों के पास रहेगी हमेशा की तरह। लेडीज फर्स्ट, नो मैडम, जेंट्स फर्स्ट। थैंक यू। माँ, क्या मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, माँ, अरे मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, पागल हो गया क्या तू? छोड़ मुझे, माँ, मैं जीत गया माँ, ये देख, तुम्हारा बेटा सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया, ये देख माँ। भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करता रहे बेटा। जानती हो माँ, इसी नाम का असली हकदार कौन है? कौन? तुम हो माँ, तुम। तुम्हारी दुआओं से तो मैंने ये कामयाबी पाई है माँ। देख बेटा, तू ही मेरा सपना है, तू ही मेरी ताकत है। मैं जो कुछ भी कहूंगी तेरी भलाई के लिए कहूंगी। ये जिंदगी के जो रास्ते हैं ना, बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। यहां किसी को अपनी मंजिल आसानी से नहीं मिलती। ये जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं ना, इसे अपनी मंजिल समझना नादानी है। तुम्हें तो बहुत आगे जाना है बेटा, बहुत आगे जाना है। लेकिन मुझे डर है कहीं। किस बात का डर माँ? जवानी का डर है बेटा। ये जो जवानी है ना, ये चैन से बैठने नहीं देती, बहकाती है, भड़काती है। राहुल। हाँ माँ। बेटा बेटा, मुझे डर है मेरे सपने कहीं बिखर ना जाएं। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से तो हूँ। मेरे अंदर की शक्ति तुम्हारी तो है माँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। संगीता, जीती हुई ट्रॉफी राहुल को। अरे तू क्या जाने दिल की बात। ए शीशे, दिल कितना निछल है। संगीता, राहुल आ रहा है। जा जा, बचाओ, मेरी सहेली को डूबने से बचा लीजिए ना, प्लीज। मेरी सहेली को डूबने से बचा लीजिए, बचा लीजिए प्लीज। मुझे, मैं डूब रही हूँ, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे आप मुझे यही उठाए रखेंगे या छोड़ेंगे भी? वो तो गया, कहानी खत्म। अरे अब कहानी खत्म कहाँ, अब तो शुरू हुई है। हेलो संगीता, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। गुड न्यूज फॉर यू। वो क्या? और ट्रॉफी राहुल और माँ के हाथों दी जाएगी, फिर तो बहुत मजा आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, शुरू होने जा रहा है स्विमिंग कंपटीशन। ये देखिए मुकाबला, और कुछ ही देर में होने वाला है फैसला। मिस संगीता बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। इनको पीछे करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं मिस आरती, लेकिन लेकिन मिस संगीता अपनी पूरी चालाकी के साथ मंजिल की ओर। दर्शकों की तालियां। अब वे सबसे आगे, यानी कामयाबी की ओर। और इस तरह स्विमिंग कॉम्पिटिशन का मुकाबला मिस संगीता ने जीत लिया। शानदार प्रदर्शन, लाजवाब कारनामा, दर्शकों की मिस संगीता को बधाइयां। संगीता बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन और शानदार कामयाबी के बाद अपना इनाम पाने के लिए राहुल वर्मा की ओर बढ़ रही है। और अब राहुल वर्मा संगीता का स्वागत करते हुए। आपको तो तैरना नहीं आता ना? मोहब्बत और जंग में सब जाएगी। Ta-da!
डार्लिंग। ओहो अब आ भी जाओ ना। डार्लिंग आ रही हूँ। इतनी देर कर ली थी, क्या हुआ? आज हमारी शादी की सालगिरह है, देखो सेज सजा रखी है मैंने तुम्हारे लिए। रहने दो रहने दो, तुम सामने से कुछ और होते हो और पीछे से कुछ और। डार्लिंग तुम कुछ मुझसे नाराज लग रही हो। नाराज नहीं होंगी तो और क्या करूंगी, तुम्हारी बेटी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। गजबर लंबी जबान है उसकी, इतना सा कुछ बोल देती हूँ तो झट से जवाब देती हूँ। तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे डार्लिंग तुम मुझे बोलने कहाँ देती हो? मजाक मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम ही समझा दो ना, तुम जब भी प्यार से समझाती हो मैं फट करके समझ जाता हूँ। तो सुनो हाँ। जमाना बहुत खराब है। सही। जवान लड़की को घर पे बिठाना अच्छा नहीं। नहीं है। जल्दी से उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ? इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है कभी? तुम ही कुछ सोचो ना और कर दो। ठीक है पर तुम बीच में नहीं बोलोगे? नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो सुनो हाँ? मेरी बहन का एक बेटा है। हाँ? जॉली। जॉली बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भी है। हम संगीता की शादी उससे करा देंगे। हाँ ठीक है कर देते हैं। तो मैं उसे बुला लूँ कल? बुला लो, बिल्कुल बुला लो। अब देखो देखो एक बात सुनो, मैंने मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम मेरा एक काम कर दो ना। लाइट बंद कर दो। प्रेम से शुरू हुई जिंदगी, प्रेम पे खत्म हुई जिंदगी, प्रेम के बिना सुनी जिंदगी, हर दिल करे प्रेम की बंदगी। प्रेम प्रेम अग्नि प्रेम, प्रेम प्रेम अग्नि प्रेम, प्रेम प्रेम अग्नि प्रेम, अग्नि प्रेम दीनदयाल बोल रहा हूँ, बोलो क्या? अभी ठीक है मैं आता हूँ। पापा मेरी बात तो सुनिए, आज हमारी कॉलेज में। सुनो बाद में, आई हैव नो टाइम, ब्रेकफास्ट मैं बाद में कर लूंगा। सुनिए। हाँ सुनाइए। मेरे लिए तो वक्त है ना आपके पास? आपके लिए तो टाइम ही टाइम है, आप कहें तो रुक जाता हूँ। नहीं नहीं जाइए। हाँ हाँ जाता हूँ, बाय। अब बोल क्या कह रही थी? अरे बाप क्या सुनेगा, मुझे सुना। मुझे आपको कुछ नहीं सुनाना। जूलियट के नाम पे दे, रोमियो के नाम पे दे, मेरे पास के नाम पे दे। थैंक यू गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मगर ये खाली फ्रेम लिए क्यों घूम रहे हो? इसकी बहुत ट्रेजेडी है जूलियट, बहुत ट्रेजेडी। माय डार्लिंग वो मुझे छोड़ के भाग गई, अपना फोटो भी लेके भाग गई। अब कोई दूसरी आएगी तो लगा लूंगा, कोई नजर में हो तो बता देना प्लीज। सुनिए। नमस्ते नमस्ते। मैं समझ गया बेबी सोनी के नाम पे दे दे, अंकल महवाल के नाम अंकल पे दे दे, बेबी सोनी
शादी के नाम पे दे दे। ये रख ले और हवा हो जाए। चल चाचा महिवाल के नाम। चाचा मुझे चाचा बोलो। सब कबाड़ा कर देगा ये। चाचा महिवाल के नाम पे दे दे। मामा महिवाल के नाम पे दे दे। बेबी सोनी के नाम पे दे दे। सोनी सोनी सोनी। नमस्ते जी। मैं समझ गया जी। मैं बिल्कुल समझ गया। आपको एडमिशन चाहिए। अरे वाह 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 वाह। अजय आप जैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए हमारे कॉलेज का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं एडमिशन के लिए नहीं आई। दरअसल मैं अपनी बेटी को ढूंढने आई हूँ। बेटी जी। और आपकी संगीता। संगीता यानी कि से दीनदयाल की बेटी जी। वो आपकी बेटी है जी। हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। अरे ये भरा हुआ शबाब, ये जवानी। संगीता आपकी बहन हो सकती है, आपकी सहेली हो सकती है, लेकिन आपकी बेटी हो ही। मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटी संगीता को ढूंढने आई हूँ। वो कॉलेज आई है या नहीं? संगीता जी। आपकी बेटी जी। वो नहीं आई। संगीता जी आ गई। किसके साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो? क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हूँ? तो क्या है, गलत है? तू आज कॉलेज नहीं गई थी? कॉलेज नहीं जाने का ये मतलब तो नहीं कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएं, मुझे बुरा भला कहें, मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालें। ओह मैं कह रही हूँ तो बुरा लग रहा है। कल दुनिया कहेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तेरे बाप के मुँह पे कालिख लग जाएगी। कालिख कालिख? आपने तो मुझसे मेरे पापा को छीन लिया है। और क्या चाहती हैं आप? हरामजादी जबान चलाती है। संगीता जी। मम्मी चल, आज मैं भी चलती हूँ तेरे साथ कॉलेज। क्यों? अब मैं बच्ची नहीं रही। मैं अकेले कॉलेज जा सकती हूँ? बच्ची नहीं रही इसी का तो डर है, इसीलिए तो तेरे साथ आना जाना जरूरी हो गया है। चल चलो। सुनो तबस्सुम, मुझे अपना बुरखा दोगी प्लीज? मुझे राहुल से मिलना है और मम्मी मेरा पीछा कर रही है। और सुनो, मैं तुम्हारा बुरखा गीता को लौटा दूंगी। ओके ठीक है। मालिक के नाम पे दे दे मेरे बौला। अंधे को दे दे बाबा, अंधे को दे। उस दिन तो तुम अच्छे खासे थे, आज क्या हो गया? सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है मैडम। कभी अंधा, कभी लंगड़ा, कभी लूला, कभी बहरा। तो ये ले लो 100 का नोट। ये तो 10 का नोट है मैडम। तो तुम देख सकते हो। एक्सपीरियंस की बात है, मन की आंखों से देखता हूँ मैडम। मन की आंखों से। मन की आंखें खोल बाबा, ध्यान किधर है बोल बाबा। मेरी बेटी, मेरी बेटी किधर है? कहाँ है मेरी बेटी? ताले गई थी। फोन उठा के ले गया मैडम। 10 रुपए देगी, बेवकूफ बनाते। 100 बोल के 10 दे गई। 90 रुपए तेरी माँ से वसूल करूंगा। तुमने संगीता को देखा? नहीं। वाह 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 वाह, आप तो आज गुले गुलजार, लाड बाजार, सरापा प्यार लग रही है। वाह थैंक यू। प्रोफेसर मनसुख आपका थैंक यू कबूल करता है। वो कहाँ है? कौन? संगीता। ओफ़ो, फिर संगीता नहीं आई वो। महिवाल जी, तू फिर यहाँ कैसे आ गया? तू फिर यहाँ कैसे आ गया? देखिए महिवाल जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रोजाना एक कॉलेज जाता हूँ, आज इस कॉलेज की बारी है। अच्छा ठीक है। उस दिन तूने मेरे से 150 रुपए लिए थे, निकाल वो 150 रुपए। 150 रुपए निकाल। 150 रुपए? मेरे पास 200 की नोट है, चेंज नहीं है। आपके पास 50 रुपए हो तो मैं 200 की नोट दे दूं। ठीक है, मैं 50 रुपए दे दूं। ये ले 50 रुपए। 200 निकाल। बेबी सोनी जी आप? 200 की नोट तेरे बाप ने कभी देखा है? ये भी गई, वो भी गया। अरे सुनो, तुम्हें संगीता कहीं मिली? संगीता जी वो मुझे नहीं मिली। हाँ कही होगी। न
राहुल। इंतजार करवाने में मजा आता है क्या? अब तुम्हें कैसे बताऊं राहुल कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ? तुम्हें क्या पता, हमारे प्यार की खुशबू हमारे घर तक पहुँच गई है। एक न एक दिन तो पहुँचना ही था, फिर इसमें बुराई क्या है? ओफो राहुल, तुम मेरी सौतेली माँ को नहीं जानते, वो हमारे बीच दीवार खड़ी कर देगी, क्योंकि उसके पास दौलत है और दौलत में बड़ी ताकत होती है राहुल। माना कि दौलत में बहुत ताकत है, मगर प्यार के सामने आज तक कोई भी दीवार टिक नहीं सकी। क्या तुम्हें हमारे प्यार पे भरोसा नहीं? नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बस आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। डालेंगे, ये किसका इंतजार हो रहा है? और किसका, एक ही तो मुसीबत गले पड़ी है। पापा आ गई। पापा सच बता, मुझे बेवकूफ बनाकर कहाँ चली गई थी? अजी इसे क्यों डांट रही हो? तुम बीच में मत बोलो, बोल कहाँ गई थी? पापा, पापा के बच्चे ढोंग करती है। अभी छोड़ो भी ना, तुम अंदर जाओ। आई? मैं कहती हूँ तुम अंदर जाओ। पापा नहीं, जा, जा पापा नहीं। मैं तेरा अच्छी तरह इलाज करता हूँ, जॉली को कल ही बुला ले। चलो कॉलेज में मुझे चापा दे कर तेरे बाद मेरा कोई नहीं है माँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक सहारा मिला है राहुल, उसे भी दुनिया वाले छीन लेना चाहते हैं माँ, लेकिन मैं सार के सोने नहीं दूंगी माँ, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ माँ, एक कीमत वाली माँ की बेटी। अरे इस तरह तड़प रही और कह रही कुछ नहीं? लेट मी सी। अरे ये क्या? तुमसे प्यार करने का इनाम। ये इनाम नहीं, सजा है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ राहुल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। ओहो, मगर ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या? वो ये जो हमेशा होता है, मेरी मेरी सौतेली माँ ने मुझे। चलो मेरे साथ। नमस्कार। जी हाँ, ये लव स्पॉट यानी कि प्यार करने वालों की दुकान, यानी कि आप लोगों की दुकान। यहाँ पर हर प्यार करने वालों की रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत पूरी करते हैं। मिसाल के तौर पे ये पर्स कोई मामूली पर्स नहीं है। इस पर्स में महबूबा अपने महबूब की तस्वीर देख सकती है और महबूब अपने महबूबा की, इसे दुश्मन या घर वाले नहीं देख सकते हैं। और ये कहाँ जा रहे हो? ये है कबूतर लव मैसेंजर। ये कबूतर जो है ये उस नस्ल का है जब लैला को मजनू के पैगाम पहुंचाया करता था। आज भी ये नस्ल हमें काम दे रही है, आगे भी देती रहेगी। आज भी एक दूसरे को प्यार करने वालों को पैगाम पहुंचाया करती है। और ये है प्रेम बेल, इसे महबूबा अपने घर की बालकनी में सजा सकती है। जी हाँ, जब घर में इमरजेंसी हालात पैदा हो जाए या तो पाबंदियां लग जाए तो ये बेल सीढ़ी का काम करेगी। है, और इस बेल की मदद से महबूबा अपने आशिक के घर तक जा सकती है। पैक कर दूं? हाँ, ये काम की चीज है, आप इसे पैक कर दीजिए। ओके, थैंक यू। लीजिए मैडम। थैंक यू। ये लीजिए, प्यार के दीवाने। हुजूर, हुजूर, आज तो कोई फाटती हुई गजल हो जाए। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करता हूँ। कैसी कैसी, वाह वाह वाह, क्या बात है। अभी मैं शेर शुरू नहीं करा, वाह वाह कर रहे हैं। शेर शुरू नहीं हुआ यार, तुम वाह। ऐसी आफत गले में पड़ी, वाह मेरी पत्नी है मुझसे बड़ी। वाह 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 वाह, क्या कहिए, वाह वाह वाह। इन्होंने किया, वाह वाह। उसको ताजा मटन खिलाकर, उसको ताजा मटन खिलाकर, ताजा मटन खिलाकर खा रहा हूँ बासी कड़ी। वाह 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 वाह, बासी कड़ी में दर्द है, बासी कड़ी में दर्द है, बासी कड़ी में दर्द है। वाह, मेरी पत्नी है मुझसे बड़ी। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, क्या बात है रंगीन साहब, बहुत खूब। वाह, ये लीजिए, ससुरे से है नाक में दम। क्या ससुरे से है नाक में दम? ससुरे से है नाक में दम। मेरा भी, मेरा भी ससुरे से है नाक में दम।
सालों ने डुबाई रखम। है साली पटाखा, है साली पटाखा। सासे बम। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। महसूस ये होता है सबको, महसूस ये होता है सबको, हम दोनों हैं फिल्मी सितारे। वाह वाह वाह, रंगीन साहब वाह, क्या बात है, क्या बात है। महसूस ये होता है सबको, हम दोनों हैं फिल्मी सितारे। 10 बच्चे होने पर भी क्या लगते हैं दोनों कुंवारे। तू हेमा है, तू हेमा है, नहीं यार ये शेर है, तू हेमा है, मैं हूँ धर्म। वाह वाह वाह, तू हेमा है, मैं हूँ धर्म। वाह वाह, तू हेमा है, मैं हूँ धर्म। सनम तेरी खत्म। सनम तेरी खत्म। क्या सनम है? वाह वाह वाह, सनम तेरी खत्म। सनम तेरी कसम। वाह 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 वाह, नहीं 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 कसम वहाँ मत जाइए। अरे अब तो कुछ नहीं रहा मेरे पास, अभी और एक शेर बाकी है मेरा। ठीक है ठीक, अभी घर से कुछ लाता हूँ, जब तक इनको चाय पिलाना, ख्याल रखिए, आप भी पीजिए। घर से कुछ ना कुछ सामान लाता हूँ, जाना नहीं। रंगीन साहब आइएगा जरूर, हम वाह वाह का ख्याल करेंगे। लाइए। अरे जी कहाँ गई थी? जी मैं ये बेल लेने के लिए गई थी, अपनी बालकनी में सजाने के लिए। इनसे मिलो, ये है जॉली, मेरी बहन का बेटा। हाय, आई एम जॉली एंड यू आर डॉली। अच्छी रहेगी जोड़ी निराली, हमसे दोस्ती करना पसंद करोगी? एक्सक्यूज मी डॉली, हटिए। सुनो जी, जिस लड़के के नाम की तुम दिन रात माला जपती रहती हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ वो लड़का क्या करता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, कितनी दौलत है उसके पास? वो एक शरीफ खानदान का है और प्यार को ही दौलत समझता है। बकवास कर रही हो, वो जरूर किसी भीखमंगे की औलाद है, और उसकी नजरें तुम्हारे दिल पर नहीं, तुम्हारी नोटों से भरी तिजोरी पर हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो प्यार के बिना जिंदगी की हर धड़कन को बेचैन समझता है। ओ, अगर यही बात है तो मैं उससे मिलना चाहूंगी, ताकि मैं साबित कर सकूं कि उसका प्यार एक नाटक है। और मैं भी आपकी बात गलत साबित करने के लिए उसे आपसे जरूर मिलाऊंगी। तो तुम्हारी मम्मी ने चाय पे बुलाया है, कहीं तुम्हारी शादी का ख्याल तो नहीं आया? शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो चलो अभी चलते हैं, चट मंगनी पट ब्याह। नहीं नहीं अभी नहीं, कल शाम को। मगर याद रखना मेरी मम्मी बहुत चालाक है, जो भी बात करनी हो तो समझ के करना, समझे? मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ, खूब समझा दूंगा तुम्हारी माँ को। मेरी सौतेली माँ हमारे प्यार को नाटक समझती है राहुल, तुम्हें उसे गलत साबित करना होगा। प्यार प्यार होता है संगीता, कोई खेल या नाटक नहीं। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि तुम्हारी माँ को खुद ही समझा देगा। राहुल आओ, राहुल संगीता, कुछ देर के लिए तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दोगी? क्यों नहीं, मुझे राहुल पे पूरा भरोसा है। बैठो बेटे। जी आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? आजकल इस घर की दरो दीवार पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। खैर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे तुम्हारी माँ से पूरी हमदर्दी है, सुहाग उजड़ने के बाद औरत टूट कर रह जाती है। खैर, तुम्हारी माँ यही चाहती होगी कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो। जी हाँ, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन बच्चे, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो संगीता जैसी कई लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। गुड, तुम एक काम करो, ये ब्लैंक चेक ले लो, अपनी माँ के सपने पूरे करो, और उसके बदले संगीता को हमेशा के लिए भूल जाओ। थैंक यू मैडम। समझदार हो।
संगीता मम्मी राहुल कहाँ गया? चला गया। चला गया? तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने उसे तुम्हें छोड़ने की पूरी कीमत अदा की है। आप झूठ कह रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नमस्ते जी। गुड इवनिंग माता श्री। कौन है आप लोग? हम लोग सेठ रबड़ी मल पेड़ा मल अनाथालय आश्रम के दोनों सोशल वर्कर हैं। ये जरा इंडियन ब्रांड है और मैं जरा इंपोर्टर ब्रांड हूँ। मेड इन यूएसए। मेड इन यूएसए? उल्हास नगर सिंधी एसोसिएशन। क्या काम है? आपका शुक्रिया अदा करने आए। आपने सचमुच बहुत महान काम किया है। इस काम को देखकर लगता है कि आपका दिल दरिया है और इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा कि आज के युग में 1,00,001 का चेक दान करना बहुत बड़ा काम है। 1,00,001 का चेक मैंने? आपने नहीं, आपके प्यारे प्यारे बेटे ने हमें दिया है और ये कहा है कि हम जाके आपका शुक्रिया अदा कर दें। ओह गॉड, ये तो वही चेक है। भीख मांगो के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। निकल जाइए यहाँ से। क्या कर रही है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने दान देकर दान के पैसे वापस लिए हो? आपका करेक्टर बहुत ही घटिया है। शट अप, निकल जाइए। हेलो। आपने क्या समझा? मैंने मोहब्बत बेच ली और आपने खरीद ली? बकवास बंद करो। अरे हाँ, अनाथ आश्रम वाले तो पहुँच गए होंगे ना मैडम? जॉली। यस आंटी डिया। इस लैला को कमरे में बंद करो और जल्दी शादी की तैयारियां शुरू करो। चलो, चलो, चलो मेरी जान। चलो रानी, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ मुझे। यार ना अभी आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे बनवारी लाल। अरे वाह प्रेमकीर जी। अरे वाह 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 प्रेमकीर जी, आपने उस टैक्सी वाले को पैसे भी नहीं दिए, भाड़ा भी नहीं दिया और टैक्सी वाला ऐसे ही भाग गया। अरे यार, मैंने टैक्सी वाले को ऐसे भूल दिया था कि अब उनकी दुकान लूटना है। जो कुछ मिलेगा आधा आधा ले लेंगे। अब तुम ही बताओ यार, दुकान लूटने जैसी है? पता है सुनना था जो भागा हो। चुप। अरे बेचारा शरीफ रहा होगा, कोर्ट कचेरी की डर की वजह से बिना भाड़े के ही भाग गया। प्रेम फकीर जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज शाम का क्या प्रोग्राम है? पिक्चर चले हम? जब तक प्यार करने वाले जिंदा है। मेरे क्लाइंट आगे अभी आया। अरे मेरे पैसे तो डर जाइए। अरे मेरे पैसे। लैला के नाम पे दे दे, मजनू के नाम पे दे दे, लैला के नाम पे दे दे बाबा, मजनू के नाम पे दे दे, लैला के नाम पे दे दे, मजनू के नाम पे दे दे। सॉरी, नो चेंज। दे दो ना, बेचारा लैला के नाम पे मांग रहा है। लैला, लैला, पर तेरा मजनू बड़ा है मैला। ए हट। अल्लाह तेरी जोड़ी को सलामत रखे। मेरे बापा कहा जाता है रे, बनवारी रे, जीने का सहारा मेरे पास रे। हेले कस्टमर दे के बात क्या कर, पैसे पैसे कट। 100 रुपए का नोट? अरे प्रेम फकीर, तेरे पास ये 100-100 की नोटें कहाँ से आ जाती हैं? कहाँ से आ जाते हैं? अबे कमाता हूँ मैं, कमाता हूँ। अरे क्या कमाते हो तुम? तो दर दर भिखारी की तरह भीख मांगते हो। खबरदार, तो मुझे भिखारी कहा। भीख और रिक्वेस्ट में फर्क होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भीख नहीं मांगता, समझे? और मांगना भी एक आर्ट है। आर्ट? हाँ। मतलब? मतलब अबे कसम मजनू की, मांगने के फन में मैं तो उस्ताद हूँ। जिससे भी मांगता हूँ उसका हाथ खुद ब खुद जेब में चला जाता है और नोटों से भर के बाहर आता है। ये तो बहुत बड़ा फार्मूला है। मेरे भेजे में नहीं आया? तेरे को भेजा हो तब ना। अबे ये फार्मूला मैं तुझे बताऊंगा तो तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह, मैं तेरी जगह नहीं आने का तकलू। अरे फिर भी तेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से? अबे सीधी सी बात है, जहाँ ये लड़के लड़कियाँ बैठ जाते ना, मैं वहाँ जाके उनको डिस्टर्ब करता हूँ और उनको बोलता हूँ ये रांझा लैला मजनू सोनी महिवाल, और लड़के अपने आप को महिवाल मजनू रोमियो समझने लगते हैं और लड़के के सामने मुझसे छुटकारा पाने के लिए जेब में हाथ डालते हैं और जो मिला वो निकाल के दे देते हैं। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। न किराया, न भाड़ा, न हफ्ता, न दुकान, न मकान, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया।
आया अरे मेरा कस्टमर आया रे कस्टमर टकले काट ले रे ग्लास के बजे नमस्ते माँ जी नमस्ते मुझे राहुल से मिलना है हाँ राहुल घर में है अंदर आ जाओ राहुल हाँ माँ तुमसे कोई मिलने आया है बेटा माँ माँ ये संगीता है शहर के मशहूर बिल्डर दीनदयाल की बेटी अच्छा अच्छा बैठो बेटी कहाँ से आ रही हो घर से इतनी रात गए जी हाँ जिंदगी का तूफान मुझे यहाँ ले आया है फिक्र मत करो बेटा मैं भी एक माँ हूँ बच्चों के जज्बात को खूब समझती हूँ एक आप हैं जो ऐसा कह रही हैं और एक वो मेरी सौतेली माँ सौतेली माँ हाँ माँ उस औरत ने इसकी जिंदगी को नरक बना रखा है मैं सब समझ गई हूँ और कुछ बोलने की जरूरत नहीं अब मैं उस नरक में वापस कभी नहीं जाऊंगी अब तो सिर्फ मेरे लिए एक ही रास्ता बचा है वो है मौत नहीं एक रास्ता और भी है मेरा घर सॉरी माँ अब तक मैंने तुमसे छुपाए रखा कि मैं संगीता से प्यार करता हूँ फिक्र मत करो मैं प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे साथ हूँ और जब माँ साथ में हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है बेटी दीनदयाल हर तरह से बहुत ताकतवर है तुम दोनों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं राहुल तुम अपने पिता के दोस्त राजेश अंकल के पास क्यों नहीं चले जाते वही जो लॉयर हैं, वो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे ओ, समझा लव स्टोरी में विलन की एंट्री अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? बिजनेस करते हैं और प्यार को भी तिजारत समझते हैं उनका नाम दीनदयाल शर्मा ओ, शहर के सबसे बड़े बिल्डर दीनदयाल शर्मा तो नहीं जी हाँ वही बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं वो लोगों के लिए मगर आज तक अपने घर को खूबसूरत कभी नहीं बना सके वो ऐसा क्यों कह रही हो बेटी एक तरफ मेरी सौतेली माँ जिसके दिल में नफरत और होठों पे गालियाँ रहती हैं और दूसरी तरफ मेरी डैडी जिनके पास बीवी के लिए तो वक्त होता है मगर बेटी के लिए नहीं हाँ अंकल इसके माँ बाप इसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं इसलिए कल रात को ये हमारे घर चली आई और अब कहती है कभी वापस नहीं जाऊंगी डोंट वरी तुम लोग फिक्र मत करो हेलो हाँ बोल रहा हूँ हाँ तिवारी हाँ मुझे मालूम है कल की तारीख सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाऊंगा हाँ हाँ बेटा कल सुबह मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना है दिल्ली एक बेगुनाह को फांसी के फंदे से बचाना है मगर हमारा क्या होगा अंकल हमारी जान तो खतरे में है तुम फिक्र मत करो ऐसा करो तुम लोग ऊटी वाले मेरे बंगले पर चले जाओ वहां तुम्हें ठाकुर मिलेगा तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर देगा ठीक है थैंक यू वेरी मच कमिश्नर मेरा मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ मेरी बेटी का कुछ पता चला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी कोशिश कब कामयाब होने वाली है काम के लिए इंस्पेक्टर मुकर्रर किया है वो आपके पास आ रहा है थैंक यू ये इंस्पेक्टर आपसे मिलने आए हैं बैठिए सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गया ये कौन सी नई बात है मुजरिम जुर्म करके चला जाता है उसके बाद आते हैं आप लोग आप बता सकते हैं क्या कर रहे हैं आप है? मेरी बेटी को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग बड़ी जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की कोशिश करेगा नहीं कोशिश करेंगे शायद इसीलिए लोग पुलिस से ज्यादा आजकल गुंडों पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हीं से काम करवाते हैं अच्छा इंस्पेक्टर पिछले दिनों अखबार में एक खबर छपी थी एक आदमी ने अपनी बहन के प्रेमी का कत्ल कर दिया था जिसने उसकी बहन की इज्जत लूटी थी क्या आप बता सकते हैं वो आदमी इस वक्त कहाँ है सेंटिनल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है उसका नाम क्या है
शंकरा। शंकरा है शंकरा। हाँ, बहादुर के साथ साथ खतरनाक भी है, उतना ही अच्छा भी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, ये हमारे काम जरूर आएगा। उसकी एक कमजोरी भी है। हाँ, उसकी कमजोरी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आइए मिल लेते हैं। शंकरा, शंकरा, यह है सेठ दीनदयाल, मेरे दोस्त, जो तुम्हें तरोल पे छुड़ा के अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मरेगा साला। खैर, मुझे भी तो बाहर निकलने का बहाना चाहिए। क्यों शंकरा, तुम चलोगे ना मेरे साथ? देखो शंकरा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो है पैसा। इसलिए दाम तुम अपनी मर्जी का लोगे, मगर काम हमारी मर्जी का करोगे। सुन लो सेठ, शंकरा कागज के टुकड़ों के लिए कोई काम नहीं करता। जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक खुददार इंसान हो। मैं ये भी जानता हूं तुम्हारी बहन के साथ में क्या हुआ था। लगता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। मुझे दुनिया की हर बहन से उतना ही प्यार है। शंकरा, मेरी बेटी संगीता, जिसे तुम अपनी बहन ही समझो, उसे एक आवारा बदमाश उठाकर ले गया। यहां हमारी बदनामी हो रही है, वहां उस बेचारी की इज्जत खतरे में है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहां है वो? तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। यह उस लड़के की तस्वीर है। मुझे पूरा यकीन है शंकरा, तुम ये काम पूरा करोगे, भागोगे नहीं। तुम एक मर्द से बात कर रहे हो। शंकरा भागने वालों में से नहीं है। शंकरा लड़की को भगा ले जाने वाले को ना सिर्फ सख्त से सख्त सजा देगा, बल्कि तुम्हारी बेटी को तुम तक सही सलामत पहुंचा भी देगा। यह शंकरा का वायदा है। Thank you.
छूटे मेरे जान जन्म जन्म तेरी कसम तेरी कसम। सेठ जी, मैंने सारा शहर छान मारा, उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। हाँ शंकरा, मुझे मालूम है तुम्हारी रिपोर्ट सही है। लगता है वो लोग शहर छोड़ चुके हैं सेठ जी। लेकिन तुम अपनी कोशिश जारी रखो और ठीक इसी तरह मुझे इंफॉर्मेशन देते रहना, समझे? शांति बहन, शांति बहन, क्या बात है रुक्मिणी बाई, तू इतनी घबराई हुई क्यों? बात ये है, एक बदमाश आया था, शायद उसे राहुल की तलाश है, उसके पास राहुल की तस्वीर थी, आप होशियार रहना। राहुल की? तू फिक्र मत कर। अच्छा, कौन हो तुम? घबराओ नहीं, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी मेरी माँ ने औरतों के ऊपर हाथ उठाना मुझे नहीं सिखाया है। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बेटे की तलाश में। क्या किया है मेरे बेटे ने? इज्जतदार घराने की बेटी को भगा ले गया है, बहुत बुरा किया है। अच्छा बुरा क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। सही और गलत का फैसला तो हो ही जाएगा। बताओ इस वक्त तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या आप सच कह रही हैं? झूठ बोलना मेरे भगवान ने मुझे नहीं सिखाया। ठीक है, मैं आपकी बात पे विश्वास करके यहां से चला जाता हूँ। नमस्ते। हेलो। हेलो माँ। कौन? राहुल। हाँ माँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। बेटा कैसे है तू? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। कहाँ है? माँ मैं ऊटी से बात कर रहा हूँ। ऊटी? तू ऊटी में क्या कर रहा है? माँ तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो अपना ख्याल रखूंगी बेटा, लेकिन तू जरा होशियार रहना, एक बदमाश तेरी तलाश में है। तू अपना ख्याल रख, मैं उसे देख लूंगा माँ। Ha ha ha.
देखो वहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो कब से हमें ही घूरे जा रहा है। उसके हाथ में कोई तस्वीर भी मालूम होती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों? रेस्टोरेंट में हम बैठे थे, वहाँ एक आदमी हमें घूर घूर कर देख रहा था और उसके हाथ में कोई तस्वीर भी थी, शायद उसे हमारी ही तलाश है। मगर उस आदमी ने तुम्हें अंदर आते हुए देखा तो नहीं ना? पता नहीं। चलो घबराने की कोई बात नहीं, चलो आओ आओ अंदर आओ आओ। हेलो वकील साहब। कौन, ठाकुर? हाँ मैं ठाकुर बोल रहा हूँ सर। बोलो क्या बात है? सर आप फौरन यहाँ पे चले आइए। बहुत जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है, आप फौरन चले आइए। हेलो दीनदयाल। शंकरा अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है दीनदयाल, लड़का लड़की का पता चल चुका है, तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। वेरी गुड। अरे कहां घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम? शराफत से लड़का लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना। कौन से लड़के लड़की की बात कर रहे हो? अरे, अरे भाई कौन हो तुम? अरे कौन हो, दरवाजा खोलो। भाई तुम हो कौन, दरवाजा खोलो यार। भगवान, मेरी बहन नहीं भैया, गीता ये हाल तुम्हारा किसने किया? गीता भैया रवि ने। रवि ने? हाँ भैया रवि ने, उसने मुझे धोखा दिया है भैया, उसने मेरी इज्जत लूट ली और जब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तब उसने मेरी ये हालत कर दी, मुझे माफ कर देना भैया। नहीं गीता, नहीं गीता। साली कहती थी कि मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, अपन ने उसे खलास कर डाला, खलास कर डाला उसे। मुझे माफ कर लो, नहीं तमाम गवाहों और शहादतों के बाद अदालत यह फैसला देती है कि मुजरिम शंकरा तुम्हें रवि के खून के जुर्म में सजाए मौत दी जाए, लेकिन एडवोकेट राजेश की अपील पर तुम्हारी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली शंकरा, लेकिन नहीं नहीं वकील साहब, आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, मौत की सजा से बचा लिया, यही बहुत है मेरे लिए। अब यह जिंदगी आपकी एहसान मंद है वकील साहब।
शंकरा। वकील साहब आप इस वक्त तो मेरे घर की छत के नीचे खड़े हो। ये आपका घर है? हाँ, मगर तुम यहाँ क्यों? इस कमीने के लिए वकील साहब, ये एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा है। गलतफहमी हुई है तुम्हें। कोई गलतफहमी नहीं वकील साहब, मुझे संगीता के पिता दीनदयाल जी ने सब कुछ बता दिया है। अंधेरे में रखा है तुम्हें, बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। कमजोरी? उन्हें मालूम है कि तुम्हारी बहन के खूनी का तुमने खून कर दिया था। वो ये भी जानते हैं कि अमीर इज्जतदार घराने की लड़कियों से जो लड़के झूठे प्यार के वादे रचाते हैं, तुम उनके जानी दुश्मन हो। तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो अपने मकसद के लिए तुम्हारा गलत इस्तेमाल करना चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि दीनदयाल और उसकी बीवी नहीं चाहते कि इनकी शादी हो। संगीता की सौतेली माँ इसकी शादी अपनी बहन के लड़के जॉली से कराना चाहती है, ताकि वो सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ले। आप फिक्र ना करें वकील साहब, आज से ये दोनों मेरी पनाह में हैं। दुनिया की कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे दिल्ली में एक जरूरी काम है, फिर वहीं से बॉम्बे पहुंचना है। तो मेरा एक काम करो, इन दोनों को हिफाजत से बॉम्बे पहुंचा दो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। खबरदार, आगे मत बढ़ना, इधर रुक जाओ। हट जाओ इंस्पेक्टर, मुझे रास्ते का पत्थर पसंद नहीं। देखो, हम तुमको बोलता है, ये लड़का लड़की को तुम्हारे साथ हमारे हवाले कर दो, वरना तूफान से टकराने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। अपने परिवार का ख्याल करो, ये दोनों मेरी हिफाजत में है, मैंने किसी से वादा किया है। अरे बड़ी, तुमने किसी और को भी वादा किया था नहीं, सेठ दीनदयाल को? अरे वो झूठा था, झूठा झूठा कहीं का। मुझे सच्चाई का पता चल चुका है, दीनदयाल ने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया? धोखा, झूठा, सच्चाई, वायदा, अरे एक सेंटेंस के अंदर चार चार फिल्म का टाइटल बोलता है। तुम कुछ भी करो, हम तुम तीनों को छोड़ेगा नहीं। अरे ओ डीएसपी साहब, डीएसपी साहब किधर है, किधर है? अरे भाई साहब, मैं आपको डीएसपी कह रहा हूँ, ऐसी तरकीब बताने वाला हूँ कि रातों रात सब इंस्पेक्टर से डायरेक्ट डीएसपी बन जाएंगे। क्या बात करता है? बचपन में फिल्म देखा है ना? अरे ड्रामा में हीरो का काम किया है, हीरोइन को पटाके घर में बिठा दिया है। खामोश। तो एक काम करो ना, ऐसा ही एक ड्रामा करते हैं अभी। सीधी सी बात है, पुलिस को हमारी तलाश है, बिल्कुल हम यहाँ से जाएंगे, पुलिस हमारा फॉलो करेगी, हम आगे आगे, तुम पीछे पीछे, हम आगे आगे, तुम पीछे पीछे। नहीं नहीं, वो बहुत हो गया, तुम लोग आगे आगे, हम पीछे पीछे। बढ़िया, अब हम आगे जाएगा, तुम हमारे पीछे आएगा, मंजूर है? अच्छा बाबा, मंजूर है, मंजूर है। तो ऐसा करो, रास्ते में पुलिस स्टेशन आएगा, हम ब्रेक लगा देंगे, पुलिस आएगी, हमें गिरफ्तार कर लेगी, हमारी जय जयकार होगी, तुम्हारा हाहाकार होगा। फिल्म का टाइटल? अरे तुमको तरक्की चाहिए कि नहीं चाहिए, डीएसपी बनने का कि नहीं बनने का? अरे बाबा, तरक्की तो हमको चाहिए ना, हमारे घर में तीसरा लड़का होने वाला है, ऊपर वाले की मेहरबानी से। अच्छा, ए तुम्हारे ऊपर कौन रहता है? हमारे ऊपर तो हम भगवान की बात करता है, तुम्हारा दिमाग गंदा है नहीं? अरे बाबा चलो ना, आगे आगे पीछे पीछे करो कुछ। हाँ, आगे आगे पीछे पीछे, ऊपर नीचे कौन देखता है ना? शाबाश, हम लोग मुजरिम से चलो, तुम आगे आगे, अभी मुजरिम के आगे हम जाएंगे, हमारे पीछे मुजरिम, चलो बाबा आगे करो, आगे, और अब पीछे आओ तुम, पीछे पीछे। अरे शाबाश। दीनदयाल है बाबा? बाबा शंकरा ने हमको धोखा दे दिया है सेठ जी। धोखा? अभी वो उन दोनों का साथ दे रहा है। कहाँ है वो लोग? वो संगीता और राहुल को लेकर भागने में कामयाब हो गया सेठ जी। और तुम पुलिस वाले हमेशा की तरह मुझे अभी नाकामी की खबर दे रहे हो, इडियट्स। मैं जानती थी ये काम तुमसे और तुम्हारे उस इंस्पेक्टर से नहीं होगा, अब तो ये काम मेरा जॉली करेगा। जॉली! यस आंटी। ये लंगूर तुम्हारा काम करेगा? अंकल जी, यही लंगूर लाएगा आपकी ढूंढ के हूर को, स्वर्ग नर्क चपाल पाताल कहीं से भी वो ढूंढ के लाऊंगा आपकी बेटी को, यानी कि अपनी मंगेतर को, यानी कि स्वीट संगीता को। क्यों आंटी जी? अबे क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूं अंकल, 40 फूलों की डाली को दुनिया के हर माली से बचा कर छुपा कर अपने गले का हार बनाएगा। क्यों आंटी जी? बस बस, बहुत हो गया नाटक, बातें कम काम ज्यादा कर समझे? ये इनकी समझ में नहीं आएगा बेटे,
अब तू ही कुछ करके दिखा। ओके आंटी, कैश यू लेटर। रुकिए रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आगे खतरा है। खतरा? जी हाँ। क्या है कि देश के कुछ भटके हुए नौजवान देशद्रोही हो गए हैं और उनके साथ चोर उचक्के मिल गए हैं, जो हर आने जाने वाले को परेशान करते हैं। इसलिए हम मुसाफिरों का एक ग्रुप बनाकर यहाँ से भेजते हैं। अजी, हम वो तूफान है जो खतरों से खेलते ही रहते हैं। हमें जाने दो बड़े भाई। अजी साहब, मेरा मतलब है सब इंस्पेक्टर साहब, हमें जाने दो। ठीक है, आप जा सकते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी पर। अजी हुजूर, हम तो सारा काम अपनी जिम्मेदारी पे ही करते हैं। लाओ, कहाँ दस्तखत करना, अभी किए देते हैं। अजी मैं ढूंढ लेता हूँ। जनाब ऐसे भी क्या बात। रखो जनाब। अरे ये तो जाली है। तो तुझे दीनदयाल ने भेजा है? हाँ, मैं यमराज का आदमी हूँ। इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हाय देखो धतूरे, तो खेल तो अभी शुरू हुआ है बच्चे। अभी तक किसी माँ ने वो लाल पैदा नहीं किया जो शंकरा को रोक सके। शंकरा, लगता है अब तुम्हें जिंदगी से आजाद करना ही पड़ेगा। अबे हमें ललकार के क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है घोचू? अबे हट जा छोरे। दिल जाने या
रब जाने बाबा फरीद ये कहते हैं प्यार रब दी नेमत है। इश्क में जीना मरना इश्क में जीना इश्क में मरना ये प्रेम कहानी है ओ ये प्रेम कहानी है। भूले ना कोई भूले ना प्यार जमाना भूले ना जीना इश्क में मरना इश्क में जीना इश्क में मरना ये प्रेम कहानी है ओ प्रेम कहानी है। भूले ना कोई भूले अब हमारी रंग लाएगी सितारे जगमगाएंगे मोहब्बत मुस्कुराएगी मोहब्बत से न टकराओ कयामत आ ही जाएगी मोहब्बत से न टकराओ कयामत आ ही जाएगी कयामत आ ही जाएगी कयामत आ ही जाएगी। जो अग्नि प्रेम में जलते हैं जो अग्नि प्रेम में जलते हैं क्या उनकी जवानी है क्या जीना इश्क में मरना इश्क में जीना इश्क
कहानी है ओ प्रेम कहानी है। भूले ना कोई भूले ना प्यार जमाना भूले ना, भूले ना कोई भूले ना प्यार जमाना भूले ना, भूले ना कोई भूले ना प्यार आजा अपने औकात पे आजा। खबरदार जो मुझसे पूछे बगैर यहां से कहीं गया तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? इडियट, मुसीबत कहीं बोल के आती है क्या? ए, ये क्या हो रहा है? अरे रोना नहीं, रोना नहीं बाबा, रोना नहीं। मैं तुम लोग के भले के लिए कह रहा हूं ना, मुसीबत कहीं बोल के आती है क्या? अगर तुम लोग कुछ हो जाता तो। अच्छा बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, माफी दे। चुप सुनो, मैं जीप की सर्विसिंग के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम दोनों यहां से कहीं हिलने की कोशिश मत करना। सुबह होने से पहले बंबई के लिए निकलना है, समझी? अब तुम रो सकती हो। रो मत संगीता, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, रो मत। अंकल आ गए ना हाथ खाली? खाली इस दुनिया में नहीं आया हाथ खाली, अपने साथ लाया है आपके चमन की डाली। हा? पापा, बेटी, बेटी, कैसी है तू? ठीक पापा, I missed you a lot पापा। आजा, आजा मेरे साथ, अंदर चल। चौली क्या काम है? लेकिन वो मजनू की औलाद कहाँ है? लॉकअप में आंटी। लैला यहाँ, मजनू वहाँ, कैसी रही कहानी? अधूरी। हम संगीता को कहीं छुपा देते हैं, राहुल को अगवा के जुर्म में 7 साल की लगवा देते हैं, फिर होगी पूरी कहानी। क्या दिमाग पाया है शैतानी।
तेरे अंकल टूर पर गए हैं, मौका अच्छा है, हाथ से जाने न दो। काम ऐसा करो कि शिकार हाथ आ जाए और शिकारी का नाम भी न हो। बस आंटी, जॉली समझदार के लिए इशारा काफी है, आज रात काम हो जाएगा। अंकल, ये सब कुछ शंकर भैया की गैर हाजिरी में हुआ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर शंकरा भी तो हमारे साथ है। हाँ जी अंकल। आओ शंकरा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राहुल ने मुझे सब कुछ बता दिया, यह हादसा तुम्हारी गैर हाजिरी में हुआ। जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मगर मैं आपकी मर्जी के बगैर कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए आप ही बताइए क्या करूं। ऐसा है शंकरा, संगीता की मां ने उसे कहीं छुपा दिया और राहुल पर किडनैप का झूठा मुकदमा दायर कर दिया। खैर, कानूनी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही, तुम जल्द से जल्द संगीता को तलाश करके ले आओ। योर ऑनर, दफा नंबर 365 आईपीसी के तहत ये केस किडनैपिंग का है, जिसकी कंप्लेंट जेजे नगर पुलिस स्टेशन में 25 जुलाई की सुबह दर्ज कराई गई। कंप्लेंट नंबर है 324। 24 जुलाई के रोज ही मिस संगीता गायब हुई है घर से, और राहुल पर यह इल्जाम है कि उसी ने मिस संगीता को किडनैप किया है। मेरे मौकिल पर ये झूठा इल्जाम है योर ऑनर, ये तो एक निहायत ही शरीफ और मासूम नौजवान है। वाह, क्या खूब मिसाल दी है आपने, किसी शरीफ घराने की लड़की को अगवा कर जाना कहां की शराफत है। क्या सबूत है आपके पास कि उस लड़की को अगवा इसी नौजवान ने किया? सबूत सबूत तो बहुत है मेरे पास, लेकिन अभी सिर्फ ये काफी है कि ये लड़का भी उसी रोज से गायब है जिस रोज कंप्लेंट नोट कराई गई। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, 24 जुलाई की रात को लड़की अपने घर से गायब हुई, और बकौल मेरे फाजिल दोस्त 25 जुलाई से लड़का अपने घर पर नहीं है। मतलब साफ है योर ऑनर कि जिस वक्त लड़की अपने घर से गई, लड़का अपने घर पे मौजूद था। इससे साफ जाहिर है योर ऑनर कि लड़की अकेले भागी,
या उसे अगवा करने वाला कोई और है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे वकील दोस्त अपनी बनाई हुई दलीलों से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे पास ऐसे गवाह मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि मुलजिम राहुल ने ही संगीता को किडनैप किया। गवाह पेश किए जाएं। मेरी पहली गवाह है मिसेस दयाल, यानी संगीता की माँ। आप माँ हैं? जी। यानी आप ही ने संगीता को जन्म दिया? क्या आप बता सकते हैं कि संगीता कब, कहाँ और किस वक्त पैदा हुई, और ये कि डिलीवरी नॉर्मल थी या ऑपरेशन से हुई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस तरह के सवाल किसी घरेलू महिला से नहीं किए जाते, और फिर इस सवाल का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर, बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं अदालत को ये बता देना चाहता हूँ कि ये संगीता की सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ है, और सौतेली माँ के किस्से सारी दुनिया में मशहूर है। योर ऑनर, इस सौतेली माँ ने भी एक साजिश रची, संगीता को कहीं छिपाकर उसकी किडनैपिंग का इल्जाम राहुल पर लगा दिया, ताकि राहुल जो संगीता से बेपनाह मोहब्बत करता है उसे 7 साल की सजा हो जाए, और ये जबरदस्ती अपनी बहन के लड़के जॉली के साथ संगीता की शादी कर दे, मिस्टर दीनदयाल की सारी जायदाद हड़प ले। और इसीलिए योर ऑनर, इन्होंने मिस्टर दीनदयाल को इस केस से दूर रखा। योर ऑनर, ये मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। सच्चाई तो यह है कि राहुल ने ही संगीता का किडनैप किया, जिसकी चश्मदीद गवाह है मिसेस दयाल। मिसेस दयाल, क्या आपने राहुल को संगीता को अगवा करते हुए देखा? हाँ, देखा। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, तो आपने शोर नहीं मचाया, मेरा मतलब है किसी को जगाया नहीं, माने अपने पति को, घर के नौकरों चाकरों को, जॉली को। नौकर चाकर तो पता नहीं कहाँ सो गए थे, और पति भी नशे में धुत था, और जॉली भी घर पर नहीं था। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, 24 जुलाई की रात को राहुल अपने घर पर था, लेकिन जॉली घर पर नहीं था, यानी जॉली और संगीता दोनों ही घर पर नहीं थे। ये तो बिल्कुल साफ है योर ऑनर कि जॉली ने ही संगीता को अगवा किया। आप ये क्या कह रहे हैं वकील साहब, जॉली तो घर पर था, उसको जगाने तक राहुल संगीता को लेके भाग गया। प्लीज नोट दिस पॉइंट ऑल्सो योर ऑनर। अब मैं जाऊं? आप जा सकते हैं। थैंक यू। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। एडवोकेट राजेश, आप कल अपने गवाह पेश कीजिए। माँ, ये सब क्या हो गया बेटा? रो मत माँ, रो मत, रो मत माँ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे बेटा, सब बिखर गए, सब, अब क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, तेरी दुआएं मेरे साथ हैं। मत रो माँ, मत रो, अगर तू रोती रही तो मेरा क्या होगा? भाभी, धीरज रखिए भाभी, मेरे जीते जी राहुल को कुछ नहीं होगा। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं राहुल को इस बेहुदा इल्जाम से बरी करा के ही रहूंगा। चलिए भाभी। बहुत मजा आया ना। सुनिए जी, सुल्ताना नाम की लड़की को जानती हैं आप? जी हाँ, मैं ही हूँ सुल्ताना। अच्छा अच्छा, संगीता की सहेली? हाँ, बताइए कोई खिदमत। शायद तुम ये जानती होगी बेटी कि संगीता के माँ बाप ने उसे कहीं छुपा दिया है और राहुल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसमें मदद की क्या बात है अंकल, आप हुक्म तो दीजिए। बस बेटी, तुम्हें अदालत में एक बयान देना होगा, लेकिन जैसा मैं चाहूँ वैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही दूंगी अंकल। थैंक यू बेटी। तुम्हारी प्रिंसिपल इस वक्त होंगी? जी हाँ, वो ऑफिस में होंगी शायद। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको पता है हमारे कॉलेज की कितनी बदनामी हो रही है? एक लड़का एक लड़की को लेकर भाग गया, क्या अच्छी बात है? ताज्जुब है, एक साजिश के तहत रचाए गए ड्रामे के झूठ को आप सच समझ रही हैं? मैडम, मैं एक वकील हूँ,
और आजकल के जमाने में सच को सच साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। इसका मतलब है आप उसे झूठ बुलवाना चाहते हैं। मैडम आप ये क्यों नहीं समझती कि आपके कॉलेज के अच्छे किरदार पर जो बदनुमा दाग लगा है मैं उसे मिटाने में आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे आपकी मर्जी। हाँ तो आपका नाम सुना नहीं आपने? वकील साहब ने क्या कहा? रजिया सुल्ताना जी नहीं, महर सुल्ताना। अच्छा आप अपनी सहेली से आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? खुदा ना करे मैं उसे आखिरी बार मिलूं। आप संगीता से कब मिली थी? रोज मिलती हूँ। आज भी मिली थी? जी आज नहीं कल मिली थी। ठीक है आप जा सकती हूँ। हाँ तो मिसेस अग्रवाल आप तो उस कॉलेज की प्रिंसिपल है ना? जी हाँ। आप ये बताइए कि राहुल और संगीता को आपने कब देखा? राहुल को मैंने दो चार दिन पहले देखा था, लेकिन संगीता तो रोज ही मिलती है। संगीता कल आपसे मिली थी? जी हाँ। ठीक है आप जा सकती। संगीता अगर मौजूद है तो उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता? यस माय लॉर्ड, लड़की है का दावा तो तब पूरा होगा जब लड़की अदालत में हाजिर होगी। कल किसी भी हालत में मिस संगीता का अदालत में पेश होना जरूरी है, वरना अदालत अपना फैसला सुना देगी। वकील साहब। क्या हुआ? अभी तो कुछ पता नहीं चला। देखो शंकरा, मैं अब अदालत से और वक्त नहीं ले सकता। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर संगीता नहीं मिली तो मिसेस दयाल और जॉली अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, मैं कानूनी जंग हार जाऊंगा और एक बेगुनाह राहुल को सजा हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा वकील साहब, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपका सर बुलंद रखने के लिए शंकरा अपना सर कटा देगा, मगर संगीता को सही वक्त पर अदालत में पहुंचा देगा। और कौन है? शंकरा बताओ, जॉली ने उन दोनों को कहां छुपा रखा है? मर्ड आइलैंड, बंगला नंबर 7। बंगला नंबर 7 मर्ड आइलैंड। संगीता कहाँ है? बस आ रही होगी योर ऑनर। एडवोकेट राजेश आपने अदालत का बहुत वक्त जाया किया है, अब आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात के मुताबिक और कानून की रूह से ये कार्य जज साहब, फैसला सुनाने से पहले एक नजर इधर भी। यही संगीता है योर ऑनर? हाँ जज साहब, मैं ही संगीता हूँ। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में कहिए। मैं अभागिन हूँ जज साहब, एक ऐसी अभागिन जिसे रिश्तों के नाम पर धोखे मिले हैं, हमदर्दी के नाम पर साजिश मिली है, और जब किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत, वो भी ये दुनिया वाले मुझसे छीन लेना चाहते हैं। जज साहब, राहुल ने मुझे किडनैप नहीं किया, मेरी सौतेली माँ ने और जॉली ने मिलकर मुझे किडनैप किया था ताकि राहुल को जेल हो जाए और जॉली से मेरी शादी हो जाए, क्योंकि उनकी नजरें मेरे बाप की करोड़ों की दौलत पर है। जज साहब, अगर राहुल ने कोई जुर्म किया है तो वो मुझसे प्यार किया है, और अगर प्यार करना गुनाह है तो उस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ। अगर सजा मिलेगी तो हम दोनों को बराबर की, हम दोनों उस सजा के हकदार हैं। जज साहब, मैं भी उस गुनाह में शामिल हूँ।
तमाम गवाहों के बयानात, हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राहुल पर लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। लिहाजा ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राहुल को बाइज्जत बरी किया जाए। Nobody will move. Come on. Shankar bhaiya. क्या करने? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शंकरा, घबराइए नहीं वकील साहब। उस लड़की का बाल भी बांका नहीं होगा, ये शंकरा का वादा है। अभी तो जज साहब ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन शंकरा का फैसला अभी बाकी है। वकील साहब, अब शंकरा का फैसला दुश्मन के घर में होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे कभी नहीं। अरे लगाओ। मैं तुझसे हर की शादी नहीं करूंगी। शायद तेरा बाप भी करेगा। पंडित कपड़ा लाओ। संगीता, यह अग्नि जलेगी तब जब ये दो प्यार करने वाले इसके फेरे लेंगे। ये अग्नि प्रेम है, अग्नि प्रेम। इसके ज्वाला में तो जैसा कमीना जलकर खाक हो जाएगा। गोगा नाम है मेरा, मौत का पैगाम हो तेरा। की कोशिश मत करना, पकड़ो इसको भी पकड़ो इसको, छोड़ना मत किसी को। भला मेरे को आगे पीछे करके बहुत उल्लू बनाया है ने? अरे इसको पकड़ना, इसको जाने दे इसको। चलो, तुम लोगों का नाटक खत्म हुआ, अभी हमारा नाटक शुरू होता है। सबको बंद करो लॉकअप में, आंटी उधर तुम्हारा इंतजार करता है। शंकरा, शंकर भैया, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। देखो, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए किया। शंकरा, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना ए, क्या करता है, डराता है? चलो बाबा, चलो चलो। शंकरा, तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए सरकार से मैं सिफारिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम से कम हो। ए, क्या करता है, डराता है? चलो बाबा, चलो चलो। मन करूं तेरे नाम, बाकी साजन को